किरण आप देख रहे हैं 24। पटना के पुनावेक्षक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसआईटी के निगरानी टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि पथ निर्माण विभाग में सहायक कार्यपालक अभियंता के तौर पर पदस्थापित व्यक्ति के आवास पर छापेमारी हुई है, जहां से 60 लाख कैश समेत गहने और 8-10 जमीन के कागजात भी बरामद किए गए। बता दें कि पहले घंटे में ही 60 लाख की बरामदगी पाई गई है। वही बैंक से मशीन मंगवाया गया, जिससे कि नोटों को गिना जा सके कि कितनी राशि कुल प्राप्त हुई है। इस मामले में अभी भी छापेमारी लगातार जारी है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करे। इस मामले में यह भी अपडेट आया है कि जो कार्यपालक अभियंता थे वो हाजीपुर में पदस्थापित थे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर, आज रेट पड़ा है, क्या सर पकड़ा गया है और किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई हो रही है? तो भाई यहाँ तक आने का परमिशन नहीं होती है। पहचान तो हमने दिखाया कि किस तरह से छापेमारी अभी भी लगातार जारी है और पुलिस की निगरानी टीम लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि आखिर ये अभियंता कितना घूस खा चुके हैं। तो और भी इस वीडियोस में ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।